हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का वर्क बुक का चैप्टर फर्स्ट का पेज नंबर 8। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ टावर इज मेड यूजिंग 1000 ब्रिक्स। इफ द हाइट ऑफ ईच ब्रिक्स इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ओके, यहां दिया गया है स्टूडेंट्स, एक टावर को बनाने के लिए 1000 ब्रिक्स का यूज करेंगे। यूज करके क्या, यदि एक ब्रिक की जो ऊंचाई है, हाइट है जो, वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हमें टावर की ऊंचाई निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अ टावर इज मेड यूजिंग ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स से बना है टावर, 1000 ब्रिक्स, 1000 ब्रिक्स से। ओके, द हाइट ऑफ ईच ब्रिक्स मतलब हर एक जो ब्रिक है उसमें ईंट लगी है। ब्रिक्स मीन्स क्या होता है, ईंटें, ब्रिक मीन्स ईंटें। ओके, तो द हाइट ऑफ ईच ब्रिक्स, हर एक ब्रिक्स की जो हाइट है वो क्या है स्टूडेंट्स, 10 सेंटीमीटर है। ओके, द हाइट ऑफ द टावर, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे, टावर की जो हाइट है, ऊंचाई है। ओके, तो देखिए 1000 ब्रिक्स में वन ब्रिक का मल्टीप्लाई किया। ओके, क्योंकि 1000 ब्रिक्स से बन रहा है ना, और एक जो ब्रिक है, एक जो ईंट है, उसकी ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। तो जब हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, 10,000 सेंटीमीटर। बट जो टावर होगा वो सेंटीमीटर में तो होगा नहीं, मीटर में होगा, इसलिए हमने यहाँ पे 100 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा, 100 मीटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पे आते हैं। इफ़ द हाइट ऑफ अ चिमनी इज 100 मीटर, एक जो चिमनी है उसकी हाइट क्या है, 100 मीटर है, एंड द हाइट ऑफ 100 ब्रिक्स इज 4 मीटर, जो 100 ईंटें हैं उनकी जो ऊंचाई है वो 4 मीटर है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज, जितनी ईंटों का यूज़ किया जा रहा है, जितनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जा रही हैं, अब हमें उनके नंबर्स बताना है कि कितनी ईंटें यूज़ में लाई गई हैं। चिमनी हाइट कितनी है, 100 मीटर, और 100 ब्रिक्स हाइट, जो 100 ब्रिक्स हैं उनकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। सो दैट, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो जो टोटल नंबर होगा ब्रिक्स का वो क्या होगा, अब हम 100 से क्या निकाल देंगे, यहाँ पे हम 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो 100 से हमने 4 को डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा, 4 2 8। ओके, बचा यहाँ पे कितना, 2, फिर यहाँ हो जाएगा 20, 4 5 20। ओके, तो ये 25 आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हमें ब्रिक्स निकालनी है कि कितनी ब्रिक्स लगी हैं यहाँ पे, जो 100 है हमारे पास, 100 का हम 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी ब्रिक्स आ जाएंगी, 2500 ब्रिक्स आ जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट पे आते हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ ब्रिक इज 50 रुपी, देखिए एक जो ब्रिक है, जो एक ईंट है, उसका जो रेट है वो क्या है, 50 रुपीज़ है, 50 रुपये है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स, तो इसी तरह से हम जब 100 ईंटों का कॉस्ट निकालेंगे तो क्या आएगा। ओके, द कॉस्ट ऑफ वन ब्रिक, वन ब्रिक का कॉस्ट क्या है स्टूडेंट्स, 50 रुपीज़ है। ओके, सो द कॉस्ट ऑफ 100 ब्रिक्स, तो इसलिए हम 100 ईंटों का जो कॉस्ट निकालेंगे वो क्या होगा, 50 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, 100 का। ओके, तो हमें क्या मिल जाएंगी, 100 ब्रिक्स का रेट मिल जाएगा। ओके, तो 5000 आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे ये सा, फिर हमें इसका रुपीज़ मिल जाएगा 100 ब्रिक्स का। ओके, कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं।
इफ द हाइट ऑफ वन ब्रिक इज 12 सेंटीमीटर, जो एक ब्रिक है उसकी हाइट कितनी दी गई है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एक ईंट की ऊंचाई है. ओके, देन हाउ मैनी ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ पिलर ऑफ 108 सेंटीमीटर. तो हमें कितनी और कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, या हमें कितनी और ईंटें लगानी होंगी 108 सेंटीमीटर का जो पिलर बनाएंगे हम. ओके स्टूडेंट्स, तो देखते हैं हाइट ऑफ वन ब्रिक कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर. सिंस हाइट ऑफ पिलर, पिलर की हाइट कितनी दी हुई है, 108. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स इन मेकिंग पिलर. ठीक है, तो यहाँ देखिए 108 जो है हम उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 12 से. तो 12 9 जा क्या होता है स्टूडेंट्स, 12 9 जा क्या होता है, 108 होता है या नहीं. तो ये आ जाएगा कितनी, 9 आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं.